सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है इस फोर वे की वजह से। डायरेक्ट यहाँ से ब्रिज यहाँ की ओर जाएगा और यहाँ से भी कंटिन्यू आगे की ओर रहने वाला है। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय न्यू वीडियो। और अभी मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे, जैसे कि मैंने बताया जो कि हाईएस्ट ब्रिज था, हाईएस्ट ब्रिज के आगे के पेड़ से रहने वाले हैं वो यहाँ से रहने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ से कंप्लीट बताने वाला हूँ कि जो ये पेड़ हैं कैसे जाने वाले हैं और आगे का जो इसका ब्रिज बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। जो अभी आप देख पा रहे होंगे ये हाईएस्ट ब्रिज रहने वाला है। वन लाइन ये रहने वाली है और दूसरी लाइन इस ओर रहने वाली है और आने वाले टाइम यहाँ से गडर जाएंगे इस ओर, सामने की ओर जाएंगे गडर्स। और दूसरी वाला जो इस ओर का रहने वाला है ब्रिज और इसके गडर्स यहाँ से जाएंगे यहाँ की ओर। और यहाँ पे ट्रिपल पेयर्स बने हुए हैं और काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये ट्रिपल पेयर्स क्या है। अभी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये जो ट्रिपल पेयर्स है यहाँ पे। यहाँ पे आने वाला टाइम राउंड शेप का एक चौक बनने वाला है जो कि ब्रिज के ऊपर ही चौक रहने वाला है। यहाँ से जो व्हीकल्स होंगी सामने की ओर जाएंगी और चौक से यहाँ के लिए एक रोड आएगा सामने की ओर, जो आप मगरकोट एरिया देख पा रहे होंगे। आप सबको पता होगा मगरकोट एरिया से यहाँ पे पोगल के लिए एक रोड निकलता है, वो लिंक रोड यहाँ से ही निकलने वाला है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सामने की ओर से मगरकोट से पोगल का रोड रहने वाला है तो वहाँ से रोड नहीं रहेगा, और जो रोड रहने वाला है सोर से यहाँ से आगे की ओर जाने वाला है। और भी आप सबको इस फोर वे की और ज़्यादा अपडेट आप सबको देने वाले हैं। तो आने वाले टाइम ये वाला रोड भी ऐसे रहने वाला है जो कि अभी नेशनल हाईवे है। मैं बताने वाला हूँ जो नेशनल हाईवे का सबसे हाईएस्ट ब्रिज अम्बन मगरकोट में रहने वाला है। तो इसके जो बाकी के डिटेल्स हैं सारी की सारी डिटेल आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा एक से डेढ़ महीने के अंदर ये ब्रिज कम्प्लीट होने वाला है। तो काफ़ी ज़ोरों शोर से इसका काम चलते जा रहा है और अभी आप देख पाएंगे वन लाइन ये रहने वाली है ब्रिज की और सेकंड लाइन ये रहने वाली है। यानी कि मैं अभी बीच में से इन दोनों को कैप्चर कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ आप सबको बैक कैमरे से दिखाने की, तो जिससे आप सबको साफ साफ समझ आए कि जो हमारा ब्रिज है वो कैसा रहने वाला है और बाकी जो इसका कंस्ट्रक्शन का काम है कहाँ तक पहुँचा है। तो वीडियो के साथ बने रहे। रहने वाला है और इससे सामने काफ़ी लंबा और हाईएस्ट ब्रिज देखने को मिलता है यहाँ पे, और दूसरी ओर भी सेम उसी तरह का जो हाईएस्ट ब्रिज बनाया गया है। और यहाँ से आगे कोई भी अभी टनल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक टनल बनने वाला है जो कि सामने पंठियाल तक रहने वाला है। क्योंकि आप सबको पता होगा ये जो बाहर वाला एरिया है सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड एरिया था, सामने की ओर स्टील के टनल बनाए गए थे। यहाँ से गडर्स लगेंगे सामने की ओर जहाँ पर पेयर्स हैं, डायरेक्ट यहाँ से ब्रिज यहाँ की ओर जाएगा और यहाँ से भी कंटिन्यू आगे की ओर रहने वाला है लैंडस्लाइड एरिया से बचने के लिए। लेकिन अभी इन स्टील वाले टनल का कोई भी काम नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे टनल बना है सेम यहाँ पे भी एक टनल बनेगा जो कि इस ओर का जो ब्रिज है वो सारी की सारी व्हीकल्स यहाँ से पास होंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिंगल रोड है यहाँ पे। सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है इस फोर वे की वजह से जो यहाँ से शुरू होता है। अब सामने की ओर दूसरा वाला ब्रिज यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ से गडर्स लगेंगे सामने की ओर जहाँ पे पेयर्स हैं, डायरेक्ट यहाँ से ब्रिज यहाँ की ओर जाएगा और यहाँ से भी कंटिन्यू आगे की ओर रहने वाला है। यहाँ पे ट्रिपल पेयर्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पे राउंड शेप का चौक बनने वाला है जो कि एक रोड मगरकोट मार्केट और पोगल की ओर जाएगा और जो बाकी की लैंड रहने वाले हैं वो कंटिन्यू आगे कश्मीर की ओर जाने वाले हैं।